वसुदेव की शादी भई देवकी से, संग विदा भई। और जब देवकी ससुराल को चलिए पालकी में बैठ करके, तो लड़कियां देवकी को विदाई में लग गई, विदा करने लगी। देवकी बड़ा खुश है, ससुराल में जा रही है, बहुत खुश। पहले ये रोना नहीं चलता था, जैसे आजकल लड़की ससुराल में जाती है तो रोती है, पहले नहीं चलता था ये रोना चलाए। अभी 1947 से पहले जब हमारा देश गुलामी में फंसा हुआ था, हम हिंदुओं के साथ अच्छा व्यवहार अच्छा बर्ताव नहीं होता था, कौन सा ये रोना चलाए है। हमारे देश को आजादी तो मिल गई, लेकिन इस रोने से आजादी आज तक नहीं मिली। वो अब रोएबो का है, और तो रोने की एक परंपरा सी बन गई है। जाते रो आ तो बेरोवती हो, ना रो आ तो बेरोवती, का करे चल रही तो है ही है। और कोई समझदार लड़की रो है ना, चुपचाप ससुराल में चली जाए तो और बचे भी नहीं लेन देती। मैं क्यों ना रोई, उल के बैठ गई जगह ससुराल में। लड़कियां बेदा कर रही है देवी को, और बोले लगी है। तब तक कंस आ गया, बहन इधरा इस पालकी में बैठ के कब तक पहुंचोगी तैंपटेश्वर मां? हम यहां घर में अकेले क्या करेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। तुम हमारे रथ में बैठो, और थोड़ी दूर वहीं तुम्हें छोड़ देते हैं। अब देवकी को रथ में बैठा लिया कंस ने, और जो कंस रथ लेके आगे बढ़ा हुआ ये साथ ले जा रहा है। तेरी बहन के काले आंचल में तेरा काल पल रहा है, तेरी बहन के गर्भ से जो आत्मा लड़का होगा वो तेरा काल होगा, जिसके हाथ से तेरी मां से